आरती उतारने को आतुर हो भारती की, बस मुझे बता दीजिएगा कि आप किस मिट्टी से हैं। भारती की आरती, पंक्तियां सुन लीजिए, भारती की आरती उतारने को आतुर हो, भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है, शत्रु मुंड माल धार असी में प्रकट हुई, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है, वीर बलिदानियों ने शौर्य से वसुंधरा पे रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है, रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है, अमर तिरंगा कभी झुकने न देना तुम्हें, चंबल के पानी की रवानी की बलिदान मेला में मैंने काव्य पाठ किया, आदरणीय पवैया जी उपस्थित है, मैंने जिस शौर्य के उपासक लोगों के बीच में सदैव काव्य पाठ किया है, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे वही आशीर्वाद और वही संबल दिया है। मैं चार पंक्तियां पर, मैं फिर कह रही हूँ मैं बहुत थोड़ा पढ़ूंगी, लेकिन आपका यही आशीर्वाद मुझे आशीर्वाद मिला है, मैं पंक्तियां समर्पित करके सुनेगा। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, रूस और यूक्रेन के बीच सेनाओं के बीच से जब तिरंगा निकला तो ये आदेश हो गए थे कि कोई उन्हें छू नहीं सकता, पूरे सम्मान के साथ मार्ग दिया गया तिरंगे को, तब मैं चार पंक्तियां तक पहुंचा रही, यदि लगे कि तिरंगे में शक्ति, वास्तविक शक्ति किसकी है, तो आज सबको मुझे आशीर्वाद मिले, मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं सुनेगा। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी, नजर भर कर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय का था लिखी होगी, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, मैं अपनी आदर्श पर चार पंक्तियां पढ़ रही हूँ, कहाँ पढ़ रही हूँ मुझे पता है, बस पंक्तियां समर्पित करती हूँ। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, अश्रुओं की धार के समक्ष घुट लेना देके हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्द है, यदि मुझे आप आदेश दें, कैसे भी समीकरण बदले हो, लेकिन यदि आप जनता जनार्दन का मुझे आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं एक कविता अपनी आदर्श पर पढ़ना चाहती हूँ, आपकी लोकतांत्रिक तालियों से मुझे आदेश दे दीजिएगा, मैं एक कविता एक निवेदन कर रही हूँ, आपसे बहुत अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ा सा व्यवस्था बना लीजिएगा, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, यदि मैं निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब खटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृंगालों की आवाजें आती है, जब श्रृंगालों की आवाजें
पर कोयले बात करती है। जब अनाचार की परछाई विचार घटाने लगती है, जब कायरता बन कर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। इतिहास सब जानते हैं, गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, उसका घोषणा पत्र बांध रही हूँ, आभूषण धार लिए। जिन हाथों में कंगन खनके उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, बल गाए साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार कह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी। रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग, पवन और बादल नाम के उनके दो विशेष घोड़ों का उल्लेख कर रहा हूँ। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया, चपरासों तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही, सत्य स्वीकार कर लीजिएगा, रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पांव मारे थे, साहस के तब पांव मारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनाए। त्रेता में मद लोल होकर ग्वालियर की धरती है, जिसने मुझे बहुत आशीर्वाद इस कविता पर दिया है, और आज आदरणीय चाचा जी की उपस्थिति में पुनः वो आशीर्वाद में लेता देख रही हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। पंक्तियां समर्पित करके अपनों से हारने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। सुने, त्रेता में मद लोल होकर भाई को जब लड़वाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है,